हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारो विश्य डियर कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से अपना इना वक कर रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइज एक जनरल कलेक्टिव और रीडिंग है आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़ी साइंस के लिए ओके तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं क्या उनकी करेंट एनर्जीज है पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा अलग सी चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है क्या सोच रहे हैं अभी वो प्लीज़ गाइड भी भी मेरे जो उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो आज के दिन में आपका पार्टनर किसी बात को लेकर बहुत खुश है ऐसा है गाइस कि आप लोगों के बीच में आज के दिन में बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है क्योंकि यहाँ दो लोग नजर आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका जो कॉन्वर्सेशन है बहुत सही हो गया है या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो क्लियर हो रही है आज के दिन में खुश नजर आ रहे हैं आपके पर्सन ठीक है वो जताते नहीं है बट डेफिनेटली uh, उनके मन में भी रहता है कि आपके साथ चीजें सॉल्व हो जाए और चीजें ठीक हो जाए तो उन्हें भी संतुष्टि मिलती है पीस मिलता है खुशी मिलती है तो वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है इस पर्सन को आपके साथ रहकर आपके पास रहकर बेसिकली एक बच्चे की तरह फील होता है यस ये अपने आप को एक बच्चे की तरह आ, देखते हैं जब ये आपके पास होते हैं इनका जो बिहेवियर वो चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है आपके सामने ये भी कारण है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बहुत अरसा बीत गया है ये पर्सन इस एनर्जी में नहीं आए हैं कि ये बच्चों की तरह बिहेव करें देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब कोई लड़का बहुत ज़्यादा प्यार में होता है तो अपने पार्टनर के सामने चाइल्डिश बिहेव करता है और उसी तरीके से जब कोई लड़की बहुत ज़्यादा प्यार में होती है तो उसका जो भी पार्टनर होता है उसके सामने वो बचपने में रहती है आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा भी होगा और नोटिस भी किया होगा तो वो वाला मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग लेटर है जी जी फॉर गर्ल <laughs> तो वो वाला लेटर यहाँ बहुत स्ट्रांग है तो बहुत समय के बाद इस पर्सन को ये एलर्जी फ़ील हुई है आप में क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग Uh, के अंदर इस पर्सन की एनर्जी इस पार्टनर को फील नहीं हो रही थी तो मतलब वो वाली जो एनर्जी होती है ना जहाँ पर आप इस पर्सन के चाइल्डिश बिहेवियर को बहुत अच्छे से यू you नो know, हैंडल करते हो यानी कि इस तरीके से प्यार करते हो कि इस एनर्जी में चले जाए तो बहुत लंबे टाइम से ये चीज आपके कनेक्शन में मिसिंग थी तो वो यहाँ पर हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन आज के दिन में काफी खुश है ओके यहाँ पर यू लेटर निकल के आ रहा है इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था बहुत लंबे टाइम से ऐसी किसी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत अंधेरा है बहुत डार्कनेस है वहाँ पर इस पर्सन को किसी ने बंद कर दिया हो बहुत लंबे टाइम से इसी तरीके से महसूस कर रहा है घुटन वाली एनर्जी जहाँ पर डार्क रूम में किसी व्यक्ति विशेष को आपने बंद कर दिया हो और वो वहाँ से तड़प रहा हो चल रहा हो निकलने की कोशिश कर रहा हो बट वहाँ से निकल ना पा रहा हो तो इस एनर्जी में ये पासने बहुत लंबे टाइम से थे और यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और कहीं कही ना कहीं कोई भी ऐसा नहीं था इनके आसपास जिसको ये कहीं कही ना कहीं बता पाए कि ये क्या फील कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसके बारे में हम किसी को बता भी नहीं सकते कि यार मेरे से ये गलती हो गई अब मैं क्या करूं ठीक है ना आप किसी को बताने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क होता है कि अगर मैंने किसी को बताया कि ये गलती हो गई है तो वो मेरे ऊपर ही ना भारी पड़ जाए तो इंसान क्या करता है कि कोई बड़ी गलती करने के बाद वो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को बता भी नहीं पाता है कि उससे क्या गलती हुई क्योंकि उसे पता है कि गलती मुझसे हुई है और अगर मैं किसी को बताने जाऊँगा या जाऊंगी तो वो उस चीज़ का जो प्रभाव है उसका जो नेगेटिव प्रभाव है उल्टा प्रभाव है वो मेरे ही ऊपर पड़ेगा तो इस वजह से वो अपनी बातों को छुपा लेते हैं तो वही एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही कि इनसे क्या हुआ कैसे हुआ इनके साथ क्या हुआ ये किसी को बता ही नहीं पा रहे थे क्योंकि लग रहा था कि अगर ये बताते हैं तो लोग इन्हीं को जज कर लेंगे ठीक है ना सो so, इस चीज को लेकर भी इस पर्सन के मन में जो भी गिल्ट है मलाल है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है आजकल ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी बॉडी वगैरह पर बहुत ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर मुझे एक आ... एनर्जी फील हो रही है जैसे इस पर्सन को क्रेज़ हुआ है क्योंकि मॉडलिंग करता है शायद आपका पार्टनर या मॉडलिंग करने के बारे में सोच रहा है ठीक है ये लड़की हो लड़का हो फिटनेस पर इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है बट मुझे यहाँ मॉडलिंग का मैसेज मिला है ठीक है ना तो अगर किसी का ये आ, सपना था कि वो मॉडलिंग करे या फिर मॉडलिंग में करियर बनाए ठीक है थीके? तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर है इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आपकी इस ब्लेसिंग इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा ज़रूरी है आपका कर्ज इस पर्सन को तबाह कर सकता है ऐसा ये फील करते हैं अंदर से आता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में हो और ब्लेसिंग देते रहो जैसे ब्लेस करते रहो ये देखो बहुत अच्छा मैसेज जो मैं आपको हमेशा देती हूँ ना कि सामने वाला इंसान आपके साथ रहकर ये समझ जाता है कि कौन मेरे लिए लकी है कौन मेरे लिए अनलकी है और मैंने आपको अक्सर करके बताया है कि जो भी डिवाइन सोल्स होती हैं या जो प्योर हार्टेड लोग होते हैं उनका दिल बहुत साफ़ है प्योर है जो बिल्कुल सोल से उनके साथ ऐसा ज़रूरी होता है कि ज़रूरी होता है मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को ऑब्ज़र्व किया है और मैंने जितने लोगों को ऑब्ज़र्व किया मैंने सेम ही चीज़ सब में ऑब्ज़र्व किया है कि उनके साथ ये ये चीज़ होती है कि वो अपनी लाइफ में उनका कुछ बने ना बने ठीक है आ, मतलब उनका खुद का काम उनकी एनर्जी से बने ना बने लेकिन वो अपनी एनर्जी किसी और के ऊपर लगा देंगे या उनकी एनर्जी फील्ड में कोई और आ जाएगा ना तो जैसे ही वो उससे जुड़ेगा उनका लक उनके दूसरे लोगों के लिए काम करने लगता है दूसरे लोगों की लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है मतलब आप अपने लिए लकी हो ना हो लेकिन आप दूसरों के लिए हमेशा लकी होते हो ये पता नहीं क्यों मैंने डिवाइन सोल्स में बहुत ज़्यादा देखा है क्योंकि उनका ऐसी एनर्जी होती है उनकी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो किसी के लिए कुछ बोल देते हैं तो वो सच सच हो जाता है ठीक है वो किसी को आशीर्वाद दे, दे देंगे ब्लेसिंग दे, दे देंगे तो उसका काम बन जाएगा ये मैंने बहुत नोटिस किया है बहुत ज़्यादा तो वो एनर्जी मुझे ना अक्सर रीडिंग में आती है निकल के और ये अभी भी यहाँ पर निकल कर आई है कि आपका पार्टनर कभी भी ना आपकी कर्सेस नहीं लेना चाहता वो हमेशा चाहता है कि आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे ठीक है आप हमेशा उसको दुआएं देते रहो क्योंकि आप जब दुआएं पढ़ते हो ना उसके लिए तो उसको लगती हैं उसके काम बनते हैं ठीक है उसको चीजें मिलती हैं तो ये कारण होता है उसी वजह से आप देखिएगा कि अक्सर करके अः साफ दिल वालों की दुआएं और जो भी वो बोल देते हैं तो वो चीजें होती हैं बट यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं ना तो हमको ये सोच कर नहीं देना होता है कि इंटेंशनली कि हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा बुरा बोलेंगे तो बुरा जब भी आप किसी को कुछ बोल रहे हो ना तो वो आपकी फीलिंग ऊपर तो निर्भर करता है कि आप बहुत खुश हो गए तो आपने दिल से दुआ दी दी, आप बहुत दुखी हो गए अच्छा यहां पर एक मैसेज निकलकर और आ रही है कि पर्सन आपको देखना चाहते हैं बहुत अरसे से इस पर्सन ने आपको देखा नहीं है ठीक है यस मतलब मिलकर देखना है बेसिकली मिलना चाहते हैं ऐसी एनर्जी भी निकल कर आ रही मुझे लगता है आप दोनों के बीच में चीजें सॉल्व हुई हैं ऐसी इनकी एनर्जी उस हिसाब से तो ये दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में सॉल्व हुई हैं चीजें so, पर्सन आपको देखना भी चाहते हैं आप पे नजर भी घुमाना चाहते हैं कि आप, आपकी आपकी मतलब यू नो बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन ने पास बिठा कर आपको देखा भी नहीं है ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर एक इंसान है ठीक है एक राजकुमार जैसा लड़का लग रहा है मुझे ठीक है मतलब एक प्रिंस वाली एनर्जी है और उसके हाथ में ना दिल है तो मुझे यहाँ पर इस वक्त ऐसी एनर्जी नजर आ रही है जैसे आपको कोई प्रपोज करने वाला है यहाँ पर ये यह मैसेज मिलेगा देखिए 11 एलेवन के पहले बहुत सारे लोग को प्रपोजल मिलेंगे यहाँ पर ये यह गारंटी है क्योंकि 11 एलेवन का पोर्टल आपके रियूनियन डेफिनेटली करवाता है और अभी तो सैटन का ईयर भी है तो जो भी कार्मिक रिलेशन इस साल में ब्रेक होने थे वो सारे हो गए इस साल में आपने देखे हैं कितने सारे कार्मिक रिलेशन ब्रेक हो गए 2024 लगते ही जनवरी से बहुत सारे कार्मिक रिलेशन ब्रेक हो गए उनकी रियलिटी बाहर आई है अच्छे खासे थर्ड पार्टीज हटी हैं ठीक है और अगर आप भी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे और इस इसी साल आपका ब्रेकअप हुआ है या 2024 में आपके सामने उनके रियल फेसेस आए हैं भैया तो ये सेटन का किया हुआ है सेटन ने आपको दिखाया है उनके रियल फेसेस अगर इसी साल में आपने नोटिस किया है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जिसके साथ आप बहुत लंबे टाइम तक कनेक्शन में थे और आपका सडनली ब्रेकअप हो गया उसके रियल फेसेस आपके सामने आ गए आपको पता चला कि वो थर्ड पार्टी में है या तो आपके साथ किसी तरीके की चीटिंग कर रहे है। सब कार्मिक रिलेशन थे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सैटन का यर्था सेटन न्याय के देवता है ये आपको रियलिटी चेक्स देते हैं और अगर आपके रिलेशनशिप इससे पहले ब्रेक हुए थे और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए थे तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हुआ है मतलब यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है और इलेवन इलेवन पोर्टल रीयूनियन कराएगा बहुत सारे लेकिन उनके जिनके जरूरी हैं उनके नहीं जो किसी गलत चीज़ों में पढ़ के सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए चीजें पाना चाहते बिल्कुल नहीं ठीक है आप रीडिंग भले ही सुनते हो लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी एक्चुअल है या जो सही है जो मतलब सही है होना वो वही होता है ऐसा नहीं कि कुछ भी होता है ठीक है आप भली जनरल रीडिंग सुनते रहो ओकेजी में को यहां पर नजर आ रही कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी करेगा यहाँ पे प्रपोजल आएगा आपके पास कमिटमेंट का वो भी इस को एक एक चीज़ का पछतावा और होता है कि आ, इन्होंने आपको मतलब एक तरीके से अपने सामने यू you नो know, हाथ फैलाने दिए मतलब कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के सामने गिड़गड़ाया भीख मांगी है कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर पास्ट में आ, मतलब पास्ट जो भी साल निकले उनमें आपने कहीं ना कहीं कही इस पर्सन को मनाने की बहुत कोशिश की है इस चीज़ का भी रिग्रेट इस पर्सन को बहुत ज्यादा होता है कि इन्होंने आपके साथ ये वाला बिहेवियर रखा ठीक है कई बार ऐसा होता है कनेक्शन में कि आप दोनों का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा गलत है तो थोड़ा थोड़ा दोनों को सुधारने की जरूरत है पर इंसान क्या करता है वो कहता है मैं तो बिल्कुल सही हूँ मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं सुधारने की तू सुधार ले पूरा ठीक है यहाँ पर आप चले जाते हो कनेक्शन ये कनेक्शन ऐसे कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं टूट जाते हैं क्योंकि आपको ये भी रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ गलती करते हो कहाँ आप ओवर करते हो कहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा कम कर देते हो आपको हमेशा बैलेंस रहने का आदेश आता है प्रकृति की तरफ से कि हमेशा बैलेंस रहें उतना दे जितना जरूरत है और उतना आ, ही मांगे जितनी की जरूरत है कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर रखेंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे आप बैलेंस खोएंगे तो उसे लगेगा यार ये तो बहुत देता है क्या ही दिक्कत है फिर इंसान सोचता है कि जब ये इतना कर ही रहा है तो मुझे करने की क्या जरूरत है और आप जरूरत से ज्यादा मांगते हो तो वो इंसान भागता है आपसे उसे लगता है कि यार ये मांगता ही रहता है जब देखो तो मुझसे तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है ठीक है तो बैलेंस रहने का मैसेज आ रहा है जिन लोगों के भी रियूनियन होने हैं या जिनके साथ भी जस्टिस सर होनी है उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि यहाँ से अपने कनेक्शन को बैलेंस लेके चलें अपनी अपनी आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है उनके बिहेवियर को नहीं कंट्रोल कर सकते लेकिन आप अपने बिहेवियर को और अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना बोलना है कहाँ बोलना है कैसे बोलना है और कितना आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी है कनेक्शन में कितने ईगो रखना नहीं है ठीक है और कितना अनकंडीशनल लव दिखाना है मतलब हर चीज आपको पता होनी चाहिए बैलेंस रहकर आप जितना कनेक्शन को चलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है ओके okay, डी देखते हैं आपके पार्टनर हाँ, कार्ड्स में क्या क्योंकि okay, यहां पर एनर्जी है मजिशियन की हैंडमैन की टेम्परेंस की टू ऑफ शॉर्ट्स की फोर ऑफ पेंटिकल्स की ओके okay. तो यहाँ पर क्या नजर आ रहे है आपके आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है हम्म देखिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है टू ऑफ शॉर्ट्स एंड टेन ऑफ पॉइंट आपके पार्टनर आज के दिन में ना ऐसा भी सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आ, जब ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे और जब ये लोगों को देख रहे थे कि किसके लिए मुझे क्या करना है या मुझे किसके लिए क्या करना चाहिए तब आपके आ, आपका नाम इस पर्सन के दिमाग में क्यों नहीं आया ये चीज़ इस पर्सन को ना अपने आप में लगता है कि ऐसा मैंने क्यों किया इस इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें टू ऑफ शॉर्ट्स एंड टेन ऑफ वॉन्ट्स कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में ये चलता है अक्सर करके कि जिसको आप चाहते हो उससे आप भागते क्यों हो ये कनेक्शन में आपका पार्टनर ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं सामने वाले व्यक्ति को चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ के अंदर रहे तो फिर मैं उससे भागता क्यों हूँ और अगर मैं उससे भागता हूँ या भागती हूँ तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है जब मुझे लगता है कि अब मैं मैं परेशान हो चुका हूँ जब मेरे को बहुत ज़्यादा डर बढ़ जाते हैं मेरे अंदर और नेगेटिविटी मुझे घेर लेती है तो मैं वापस भागकर उसी इंसान के पास क्यों जाता हूँ ठीक है जब इस चीज को ये पर्सन बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हैं ना तब इनको कहीं ना कहीं और ज्यादा अवेकनिंग आती है अवेकनिंग का अर्थ क्या हुआ अक्सर करके आपने वर्ड सुना होगा अवेकनिंग और आपको लगता है अवेकनिंग मतलब कि को, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें परमात्मा ने बस आपको डाल दिया और आपको आप आपको बहुत कष्ट झेलना है और उसके बाद रियूनियन होगा एक आपका माइंड होता है ऐसा और दुनिया प्रकृति आपको पता नहीं क्या ही गाइड करती है अवेकनिंग का अर्थ होता है जागृति जागृति का अर्थ होता है कि अपने आप से प्रश्न करो और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढो जैसे आपके पार्टनर ने प्रश्न किया अपने आपसे कि अगर वो वो आपको चाहते हैं 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 तो फिर आपसे आपसे भागते भागते क्यों क्यों ही दूर क्यों भागते और क्या सोचकर वो आप पर डाउट क्रिएट करते हैं और क्यों वो आपके आगे किसी और की बातों को मान लेते हैं आपको भूल जाते हैं और अगर आपसे वो भागना ही चाहते हैं या और किसी और ही के होना चाहते हैं किसी और ही के साथ रहना चाहते हैं किसी किसी अदर ही पर्सन के होना चाहते हैं ठीक है अगर उनको उसी से साथ उसी के साथ खुशी मिल रही है तो जब इन्हें दुख बढ़ता है तकलीफें बढ़ती हैं या फिर इनके मन में इमोशंस इनको इमोशंस हर्ट होते हैं इनको डर बढ़ जाता है तो ये भागकर आपकी तरफ क्यों आते हैं अभी एक सवाल हुआ है इस पर्सन के अंदर अब इस को जब ये सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे ना तब उसको कहेंगे कि हम जागृत हुआ है इंसान उसने अपनी जागृति उसकी जागृति हुई जागृति का अर्थ हुआ कि उसे समझ में आया है कि मेरी जिंदगी में क्या होता है क्यों होता है और उसका क्या कारण जब आप दृष्टा बनने लगते हो बेसिकली खैर ये बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर ना अपनी ही बातों में बड़े उलझे हुए रहते हैं और आपके साथ किए हुए बर्ताव का तो इस पर्सन को समझ में नहीं आता कि आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ठीक है और अगर ये आपके साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर आपकी तो ज़रूरत ही खत्म हो जानी चाहिए इस पर्सन की लाइफ से तो फिर ज़रूरत पड़ने पर आप ही के पास क्यों भागते हैं ठीक है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चालाक है चोर है आपके साथ बेईमानी करना चाहता है या फिर आपके साथ इसको मतलब ये रहता है कि जरूरत पड़ी तो आपके पास पहुंच गया तो जर, जब आप इस पर्सन की जरूरत हो तो ये परमानेंट क्यों नहीं रह लेता आपके साथ ये भी इनके दिमाग में चलता है ठीक है तो जैसे हम कहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है तो फिर ये हमेशा के लिए हमारे पास होनी चाहिए ना तो फिर हम इससे भाग क्यों रहे हैं है पर्टिकुलरली ये चीज हमारी है तो हाँ हमारी बनने के लिए भी तैयार है तो फिर हम इसको अपनी लाइफ में परमानेंट रख क्यों नहीं लेते ये भी इंसान के दिमाग में चलता है कि जब यही मेरी जरूरत है तो फिर मैं इसी के साथ रह लेता हूँ ना इसी को मैं अपनी क्योंकि पता तो है ही मुझे कि मुझे इसकी जरूरत पड़ती है तो फिर मैं भागता क्यों ये भी सही सवाल है कि क्यों भागते हो भाई जब तुमको पता है कि तुम इसी चीज़ की जरूरत हो तुम घूम फिर के यहीं आते हो तो तुम भागते क्यों इसी को परमानेंट अपनी लाइफ के अंदर रख लो सो so, ये जो एक सिचुएशन uh, बनी हुई है ना इस पर्सन की लाइफ में ये इस पर्सन की अवेकनिंग करा रही है लगातार ये इस पर्सन के दिमाग को ना uh, खोल खोलने पर मजबूर कर रही है ठीक है ना यहाँ पर एनर्जी आ रही है मजिशियन की एंड हैंडमैन की यही कारण है कि इस पर्सन की जिंदगी में आप कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा आपकी जिंदगी में ये पर्सन कभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ ये इनको समझ में आ गया है कारण कि कहीं ना कहीं आपने सामने वाले इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत माना आपको ये माना आपके पार्टनर ने आपको कि आप उनकी जरूरत है ठीक है तो जब ज़रूरत उन्हें लगी कि ज़रूरत है तब वो आ गए जब उन्हें लगा अभी ज़रूरत नहीं है तब चले गए तो ये चीज़ एक गलत गलत चीज़ है जो आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है बेसिकली जो आप बोलते हो कि उन्होंने गलत किया है वो सच बात है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है लेकिन अवेकनिंग ये कहती है कि आपने गलत क्यों किया है यूनिवर्स आपको क्यों क्यों का सवाल ढूंढने के लिए अवेकनिंग में डालते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है और अगर आपने ऐसा किया है और आप ऐसा कर चुके हैं तो अब उसका जो फल आएगा यानी उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आप ही भुगतेंगे कोई दूसरा थोड़ी ना भुगते वो एनर्जी भी यहाँ पर इस रीडिंग में निकल कोशिश की है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को चाहते हैं तो आप उसे अपनी लाइफ में रखने की कोशिश क्यों नहीं करते इसके कि आप उसकी उसे अपनी लाइफ में रखें उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कोशिश करते हैं कि आप उसको उसका इस्तेमाल कैसे करें यहाँ आप गलत हो जाते हैं एज अन बींग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी व्यक्ति का इस्तेमाल ना करें बल्कि वो चीज़ जो आपको पसंद आ गई है जो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आ गई है डेफिनेटली उसको आ, संभाल कर रखें ठीक है वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग हो सकती है तो वो एनर्जी यहाँ पर ऑल्सो यहाँ कार्ड है टेम्परेंस विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स यस यस यहाँ पर एक की भी एनर्जी है है पर्सन को अपने अंदर फील होती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जेलस भी होते हैं जब ये देखते हैं कि आप किसी और के साथ हो या आप किसी और के पास जा सकते हो या आप आप इतने अच्छे इंसान हो एक एंजल वाली बाइफ आपके अंदर है आप किसी और के हो जाओगे तो ये पर्सन वो भी नहीं चाहता तो मतलब क्या चाहते हो आप इंसान को कठपुतली बनाना चाहते हो क्या बनाना चाहते हो कठपुतली होती ना वो जो यहाँ पे यहाँ पर खिसका दिया वहाँ पे खिसका दिया पीछे को धकेल दिया आगे को ढकेल दिया तो आप क्या बनाना चाहते हो एक बार तो आप कमिटमेंट भी नहीं देते हो ठीक है आप रन कर जाते हो फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वापस आ जाते हो दूसरा वाला इंसान किसी और के पास जाए तो आपको जलसी फील होती है तो आप सा, आ, सामने वाले इंसान के साथ क्या करना चाहते हो इसी को हम शुद्ध भाषा में टॉक्सिक रिलेशनशिप बोलते हैं ठीक है इसी को हम बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप लेकिन व्यक्ति आपके साथ टॉक्सिसिटी फैला रहा है तो वो इंटेंशनली ये काम कर रहा है या फिर उसका उसको हर चीज अपनी चीजों अपनी तरह से अलाइनमेंट में चाहिए और आपके साथ चीजें अलाइन नहीं हो पा रही आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है इसी क्यों का सवाल जानने के लिए यूनिवर्स अवेकनिंग में डालता है और आपको आपके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहता है और तब तक पीटता है आपको तब तक पीटता है जब तक कि आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल जाता और सेम चीज आपके साथ भी होती है आपको भी उसने अवेकनिंग में डाला और आपसे अपने सवालों के जवाब ढूंढो कि अगर आपको इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं सामने वाला आपको इतना नालायक लगता है फिर आपको उसके साथ रीयूनियन क्यों चाहिए ठीक है फिर आपको वही इंसान क्यों चाहिए ठीक है और जब तक आपको सवाल का जवाब नहीं मिल जाता या जब तक आपका क्लियर थॉट नहीं आ जाता तब तक यूनिवर्स आपको भी नहीं छोड़ता है बहुत सारे लोगों को आपने बोलता वो बोलते हुए सुना होगा हम जर्नी छोड़ नहीं पाते बेसिकली वो जर्नी में ना है ना छोड़ पाते कारण क्योंकि उन्होंने अपने सवाल के जवाब नहीं ढूंढे जिस दिन अवेकनिंग का अर्थ है कि आपको पता चल जाए कि आपके साथ क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ आपको क्या करना है आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए आपकी कहाँ गलती हो रही थी आपको क्या सुधार करने की जरूरत है जब इन सब क्या क्यों के सवाल आपके जवाब आपको मिल जाएंगे ना उस दिन आपकी अब एक दिन कम्प्लीट होगी और उसी दिन आपकी जर्नी कम्प्लीट होगी बाकी तो भटक तो पूरी दुनिया रही है ठीक है एक इंसान के पीछे की एक दिन मैरिज होगी <laughs> चलो खैर वो कोई अलग सिनेरियो है मैरिज भी हो जाती है मैं ऐसा नहीं कहती कि मैरिज नहीं होती लेकिन उस दिन जिस दिन आप जान जाते हो कि आप कहाँ हो क्यों हो किस हाल में हो आपको क्या करना है आपके जीवन के लिए क्या सही है ठीक है और सामने वाले के साथ आपका सिस्टम क्या है तभी तो आप उसे माफ़ कर पाओगे एक आधे अधूरे मन के साथ तो आप उसे माफ़ भी नहीं कर सकते जो उसने आपके साथ किया है ठीक है ना तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फटाफट फड़ अपना काम करो ये चीज़ क्योंकि आपके पार्टनर के साथ चल रही है और वो लगातार इस तरीके सवाल उसके मन में चलते हैं ठीक है ना ओके देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है यहाँ पर लेटर है एम एफ एक्स यू बी ओ पी सी वन टू फोर यहाँ पर नंबर है डेफिनेटली आप पूरी रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं आपके मन के सवाल भी आप जो है वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू गाइस